दोस्तों फेसबुक पर भी BGMI गेम लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाला हूँ, ताकि अपने एंड्रॉयड मोबाइल से काफी आसान से BGMI गेम अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो चलिए उसे वीडियो को शुरू करते देखते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल से BGMI गेम चाहे कोई भी अदर्स गेम काफी आसान से कैसे अपने लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम का जो सेटअप है कैसे आप कर सकते हो। तो चलिए उसे वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आज मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ प्रिज्म लाइव एप्लीकेशन से, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्रिज्म लाइव एप्लीकेशन से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने के लिए अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, तो गाइस सबसे पहले आपको इंस्टॉल करके ओपन में क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपके एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना होता है। आप चाहे तो फेसबुक से भी लॉग इन कर सकते हो, गूगल से भी लॉग इन कर सकते हो। मैं यहाँ पर गूगल से लॉग इन कर लेता हूँ और यहाँ पर किसी भी जीमेल आईडी से मैं यहाँ पर टच करके लॉग इन कर लेता हूँ। फाइनली दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर एक न्यू अकाउंट बन चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको ओके में क्लिक करना है, जो भी परमिशन मांगता है फटाफट आपको यहाँ पर दे देना है। इसके बाद आप देखेंगे अपना जो भी न्यू अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाता है, आपको स्टार्ट में आपको क्लिक कर देना है। और स्टार्ट में क्लिक करने के बाद ओके में क्लिक करते ही यहाँ पर आपको डिस्प्ले अदर्स जो एप्स जो ऑप्शन आता है अगर, तो यहाँ पर आपको सिंपली जो प्रिज्म लाइव एप्लीकेशन पे आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको टच करके इसको इनेबल कर देना है। बस दोस्तों यहाँ पर हो चुका है, आपको यहाँ पर बैक कर देना है। अभी दोस्तों जो भी हमारा गेम है यहाँ पर लैंडस्कोप में यहाँ पर स्ट्रीम होगा, तो यहाँ पर हम लोग को टच करना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करके हम लोग को लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी चैट वगैरह होगा कुछ इस टाइप का हम लोग को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी दिखा रहा है। अभी दोस्तों हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हो इसी ऑप्शन पर हम लोग को टच करना है। यहाँ पर जैसे अपने टच करेंगे तो आपको यहाँ पर जो स्क्रीन कैप्चर का ऑप्शन पर हम लोग को क्लिक करना है। जो भी स्क्रीन होगा कुछ इस टाइप का कैप्चर हो जाएगा, इसको चाहे तो आप यहाँ पर लॉक भी कर सकते हो और यहाँ पर प्लस वाले आइकन में क्लिक करके और भी कुछ जो कि आप चाहे तो ऐड कर सको। तो गाइस इसके बाद हम लोग को यहाँ पर और एक बार बैक कर देना है और गाइस यहाँ पर हम लोग को इसी ऑप्शन पर हम लोग को टच करना है। यहाँ पर जैसे अपने टच करेंगे तो गाइस हम लोग को अभी दोस्तों लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग को यहाँ पर टच कर देना है। यहाँ पर जैसे अपने टच कर देते हो तो गाइस आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन मिल जाता है, आप किस में लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करना चाहते हो वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस फेसबुक में हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे तो फेसबुक का ऑप्शन पर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। इसके लिए दोस्तों सेट डायरेक्शन इसमें हम लोग को टच करना है, यहाँ पर हम लोग को फेसबुक को चॉइस करना है। फेसबुक में हम लोग टच करूंगा और सबसे पहले हम लोग कनेक्ट कर लूंगा अपना फेसबुक का जो भी अकाउंट है जिस प्रोफाइल पे हम लोग को लाइव स्ट्रीम करना चाहेंगे। तो कनेक्ट फेसबुक पे हम लोग टच करूंगा और जैसे हम लोग यहाँ पर टच करेंगे तो अपना फेसबुक का जो पेज है यहाँ पर ओपन हो जाता है। वैसे भी मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पे अपना फेसबुक को लॉग इन करके रखा हूँ, तो आप भी अपने क्रोम ब्राउज़र पे फेसबुक को लॉग इन करके रखना है। इसके बाद देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। वैसे भी अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे अगर लॉग इन है ऑलरेडी फेसबुक तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है, अगर नहीं आता है तो आपको सिंपली अपना फेसबुक का जो भी आईडी पासवर्ड देके आपको यहाँ पर लॉग इन कर लेना होता है। तो गाइस यहाँ पर मैं कंटिन्यू में क्लिक करूंगा दोस्तों, और जैसे मैंने यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करूंगा अपना फेसबुक प्रोफाइल से यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग को और एक बार कंटिन्यू में क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आ रहा है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल दिखा रहा हूँ। और फाइनली दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो अपना फेसबुक प्रोफाइल से यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैं अगर चाहूंगा तो अपना फेसबुक पेज पे भी हम लोग लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ, ग्रुप में भी लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ, वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। माय पेज में अगर आप क्लिक करेंगे जो भी अपना पेज है वो यहाँ पर दिखाई देगा, उसमें टच करेंगे तब भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर फेसबुक प्रोफाइल पे लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एवरी वन पे जैसे सिलेक्टेड है वैसे रखूंगा, एवरी वन पे सिलेक्टेड करूंगा ताकि सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग को ओके में क्लिक कर देना है। बस दोस्तों इसके बाद हम लोग को गो लाइव में क्लिक करने से पहले अगर मैं यहाँ पर जो भी सेटअप है यहाँ पर देख सकते हो 720 क्वालिटी जो पिक्चर क्वालिटी है, रेजुलेशन है, यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो। मैं यहाँ पर 720 ही रखूंगा। अगर आपके इंटरनेट स्पीड और मोबाइल जो कि काफी अच्छा है तो आप यहाँ पर 1080 रख सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर HD रखूंगा जो कि काफी अच्छा क्वालिटी है। अगर आप इससे भी कम क्वालिटी में अगर अपने लाइव स्ट्रीम करना चाहेंगे तो 480 करेंगे तब भी चलेगा। ओके दोस्तों, तो गाइस मैंने यहाँ पर 720 ही रखूंगा। इसके बाद हम लोग को ओके में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम लोग को फाइनली यहाँ पर गो लाइव में स्टार्ट करने से पहले और एक बार हम लोग को चेक करना है यहाँ पर जो लैंडस्कोप हम लोग को सिलेक्टेड करना है दोस्तों, और इसमें सिलेक्टेड करने के बाद ही आप यहाँ पर स्टार्ट कर लेना दोस्तों। ओके दोस्तों, और गाइस यहाँ पर हम लोग को एक बार बैक कर देना है। और जैसे हम लोग यहाँ पर बैक करेंगे तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पर टाइटल और थंबनेल लगाने का ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है। यहाँ पर आप सिंपली टच करेंगे प्लीज इंटर द टाइटल, टच कर देता हूँ। तो दोस्तों टाइटल मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ BGMI गेम लाइव स्ट्रीम। और दोस्तों इसके साथ आपको यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करते ही आपके यहाँ पर माइक ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर ऑन ही रखूंगा, अगर आपने ऑफ
करेंगे तो जो भी आपने बताएंगे वो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम पे नहीं जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं इसी माइक को ऑन ही रखूंगा, इसके साथ आप चाहे तो कैमरा को ऑन ऑफ कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों यहाँ से मैं 3 डॉट में क्लिक करूंगा, ये ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद दोस्तों लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग को टच करना है। और गाइस यहाँ पर जैसे हम लोग टच करेंगे तो गाइस हम लोग को यस पे सिलेक्टेड करना है और एक बार स्टार्ट नाउ पे सिलेक्टेड करूंगा। और जैसे दोस्तों हम लोग स्टार्ट नाउ पे सिलेक्टेड करूंगा अपना जो भी लाइव स्ट्रीम है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ से होम पेज से कट कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग BGMI गेम को हम लोग को ओपन में क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम लोग कट कर देता हूँ और यहाँ पर है BGMI गेम को सबसे पहले हम लोग ओपन में क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर BGMI गेम पे हम लोगों ने टच किया हुआ और यहाँ पर BGMI गेम जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ओपन हो चुका है और हमारा जो लाइव है लाइव भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर बबल में टच करूँगा तब भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी अपना डिवाइस का या माइक का जो भी वॉल्यूम है आप डाउन करने का भी ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो हाइड ब्रॉडकास्टिंग स्क्रीन, तो हम चाहते तो ब्रॉडकास्ट जो भी स्क्रीन के ऊपर हाइड भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर गेम जो कि स्टार्ट हो चुका है, लाइव भी यहाँ पर हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर अपना PC में दिखा देता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लाइव भी हो रहा है। और यहाँ पर एक बार हम लोग रिफ्रेश करूँगा ताकि आपको दिखाई देगा पूरा लाइव प्रूफ, आपको दिख जाएगा कि अपना प्रोफाइल पे लाइव हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो आपको मैं सबसे पहले एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अपना फेसबुक प्रोफाइल पे लाइव हो रहा है। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों हमने BGMI गेम को ओपन में क्लिक किया हूँ तब भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है तब भी यहाँ पर हो रहा है। अभी दोस्तों आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि अपना फेसबुक प्रोफाइल पे यहाँ पर लाइव स्ट्रीम हो रहा है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं लाइव स्ट्रीम को स्टॉप कैसे करते हैं, क्योंकि दोस्तों लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करने के लिए ऊपर में आप देख सकते हो जो बबल है, बबल पे आपको सिंपली टच कर देना है। और इसी बबल पे जैसे अपने टच करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपको ओपन प्रिज्म लाइव में आपको टच करना है और गाइस यहाँ पर आपको एंड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे दोस्तों अपने एंड पे क्लिक करेंगे और गाइस आप देखेंगे फाइनली अपना जो भी लाइव स्ट्रीम है यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से काफी आसानी से अपने लाइव स्ट्रीम को स्टॉप कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से काफी आसानी से अपने BGMI गेम को अपने एंड्रॉइड मोबाइल से ही अपने प्रिज्म लाइव एप्लीकेशन से अपने लाइव स्ट्रीम को शुरुआत कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपके वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।